इस पावन महीने में, पुरुषोत्तम मास के महीने में, अगर आप लोग कुल कहते हैं कि हमारी बेटी पर पुत्र नहीं हो रहा, हमारी बहू पर पुत्र नहीं हो रहा, मैंने आपको शायद पहले भी कई दिन पहले बताया है ये प्रयोग, ये अलग प्रयोग है, ये आज अलग है। अगर आपकी बेटी पर, आपकी बहू पर संतान पुत्र नहीं है, पुत्र रत्न नहीं है, तो उसके लिए रेशमी पीला वस्त्र लेना, ये पुरुषोत्तम मास में रेशमी पीला वस्त्र लेना, उसमें आप 9 मालपुआ बांध लेना, एक कोने में पीला वस्त्र रेशमी 1 मीटर हो, एक कोने में 9 मालपुआ बांध देना और एक कोने में 9 लौंग टोपीदार खंडित नहीं वो लौंग बांध दीजिए, और तीसरे कोने में आपको नाग केसर बांधनी है, 9 पीस नाग केसर के, और एक पल्ले में चौथे में 9 बादाम बांधने हैं। ये सब लपेट करके ऐसे स्थान पर दबा दीजिए, किसी मटकी में रख करके, जहाँ कोई देखे ना, कोई टोके ना, तो कोई नहीं रोक सकता। संतान पुत्र भगवान के रूप में, भगवान का अंश एक पुत्र आपके घर में हो ही जाएगा, ऐसा मनुस्मृति का लेख है। ये मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा, सब लिखित प्रमाण के साथ कहता हूँ। तो ऐसा करने से आपके यहाँ बेटी या बहू कोई भी पुत्र को जन्म देगी।